पूर्व रेलवे द्वारा ग्रामीण के साथ साथ भगवान को भी दिया नोटिस। सीनियर सेक्शन इंजीनियर कारी सीतारामपुर पूर्व रेलवे मंडल आसनसोल जोन की ओर से गुरुवार को ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत मेढ़ा पंचायत एवं सिवलीवाड़ी पूर्व पंचायत ग्रामीणों के बीच नोटिस दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रंट कॉरिडोर कार्य हेतु आगामी 23 मार्च तक अपना मकान खाली कर दें, अन्यथा रेलवे सख्ती से पालन करेगी। इस संदर्भ में सीनियर सेक्शन के अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि रेल मंडल द्वारा पूर्व में भी यहां के लोगों को नोटिस के माध्यम से रेलवे भूखंड को खाली करने का जिक्र किया गया था और आज पुनः विभाग द्वारा रेलवे पर से बसे वैसे लोगों को पुनः नोटिस शामिल की जा रही है। समय रहते वह अपना मकान खाली कर दें। नोटिस देने आए टीम पर ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हुई और ग्रामीणों का कहना है कि रेल पहले विस्थापितों को पुनर्वास करे, उसके पश्चात हम सबों को उजाड़ें। माननीय उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि पहले पुनर्वास करवाएं, उसके पश्चात हम सबों का आसियाना उजाड़ें। आखिर इतनी आबादी कहां जाएगी, इसके लिए ग्रामीण लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि रेलवे अधिकारी द्वारा भगवान को भी नोटिस दिया गया। नया नगर में स्थापित काली मंदिर पर भी नोटिस चिपकाया गया है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, लोगों में दहशत का माहौल है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी रेल मुख्यालय कोलकाता में भी अधिकारियों से वार्ता की हैं और निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी विधानसभा में इस बात को प्रमुखता से उठाया है। अब सवाल यह उठता है कि वर्षों से रह रहे लोग विस्थापित हो रहे हैं, आखिरकार उन सबों का पुनर्वास का कोई तो साधन होगा। ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। उजाड़ने के दृष्टिकोण से आया अनावश्यक, और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बिना बसाए किसी को उजाड़ा ना जाए, और ये लोग जबरदस्ती जो है नोटिस थमाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा दहशत में है, ये लोग जो है दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे लाइन का विस्तारीकरण हो रहा है, दो लाइन रेलवे लाइन का जो बिछ रहा है, उसके जीएम से माननीय पूर्व विधायक महोदय जी ने बात किया कि 40 मीटर में जो है उनके जीएम जो है फ्रेट कॉरिडोर के जीएम कलकत्ता में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि 40 मीटर में हमारा काम हो जाएगा, और ये लोग 120 मीटर पर नोटिस दे रहे हैं, हम लोग को दहशत में डाल रहे हैं, आत्महत्या करने पर हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, हमारा आसियाना जबरदस्ती तोड़ने का उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कौन अधिकारी है, क्या है?